हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जिस प्रोडक्ट की बात करने वाली हूँ ना, ये आपके हेयर को 5 मिनट में ब्लैक कर देगा, यानी कि 5 मिनट में आपके जो जितने भी ग्रे हेयर्स हैं उनको कवर करने में हेल्प करता है। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ हेयर कलर शैम्पू की। और मेरे पास में जो प्रोडक्ट है ना, ये है बी ब्लंट का सलून लाइक कलर। तो एक्चुअली हुआ ये था, मुझे कहीं पर जाना था और मेरे पास में कुछ ऑप्शन नहीं था कि मैं 30 मिनट्स लेके हेयर कलर करूं, तो मैंने ब्लिंकिट से फटक से इसे ऑर्डर किया। तो इस तरह की पैकेजिंग में हमें ये प्रोडक्ट रिसीव होता है। जो ब्रांड है यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 100% ग्रे हेयर को कवर करता है, नरिश्ड और शाइनी भी बनाता है। अब इसमें कोई भी पैराबिन नहीं है, सिलिकॉन नहीं है और अमोनिया भी नहीं है। ये शाइन टॉनिक और प्लांट कैरेटीन के साथ में आता है। तो मैंने इसे अप्लाई किया था और मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगी और बताऊंगी कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो बात करूं प्रोडक्ट की, ये आपको 8 वीक्स तक लॉन्ग लास्टिंग देता है, ऐसा इस पे मेंशन है। बेसिकली ये यूनिसेक्स प्रोडक्ट है, मेल और फीमेल दोनों ही इसे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने जो कलर ऑर्डर किया था वो मंगवाया है ब्लैक, क्योंकि मैं जनरली मेरे हेयर जो है वो ब्लैक ही हैं। बाकी इसमें आई थिंक और भी कलर मिल जाएंगे, चेक करके मैं बता दूंगी आपको। यूज़ करने का तरीका लिखा हुआ है कि आपको इसे ड्राई हेयर पे अप्लाई करना है, 2 से 3 मिनट तक मसाज करना है, उसके बाद में 5 मिनट और रखना है आपके हेयर में, देन वॉश कर लेना है जिस तरह से आप नॉर्मल शैम्पू अप्लाई करते हैं, ठीक है। और प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो प्राइस है इसका 299 रुपीज़, यानी कि 300 रुपीज़। लेकिन मुझे आई गेस ये 280 रुपीज़ का मिल गया था, बट अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट वगैरह पे चेक करेंगे तो मे बी आपको इसमें और भी डिस्काउंट मिल जाए। तो ये है हमारा प्रोडक्ट और वही सब डिटेल्स मेंशन हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं आपको इसे ना ओपन करके दिखाती हूँ। इसमें ना इस तरह की ये पैकेजिंग है और 5 सैशेज मिलते हैं शैम्पू के और ग्लव्स भी, और हर एक शैम्पू पे ना मतलब आपको इंस्ट्रक्शंस भी मेंशन होती है। और यहाँ पे मैं आपको ना मेरे वाइट हेयर दिखा रही हूँ, फ्रंट साइड में ज़्यादा है और मतलब पार्टीशन करते हैं ना तो वो अच्छे नहीं लगते यार, बुरा लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे अप्लाई करके देखती हूँ। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो ये है वो ग्लव्स जो हमें रिसीव होते हैं बॉक्स में, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि रिजल्ट अच्छा आए चक दे फट्टे। तो यहाँ पे मुझे इसकी फ्रेग्रेंस नहीं पसंद आई, मतलब ठीक है, वैसे भी जनरली मुझे ना जो हेयर कलर होते हैं उनकी फ्रेग्रेंस नहीं अच्छी लगती। कंसिस्टेंसी दिखा रही थी मैं आपको यहाँ पे, तो इसे इवन तरीके से मैं लगाने का ट्राई कर रही हूँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मुझे ग्रे हेयर को कवर करना है अच्छे तरीके से। मैंने इसे अप्लाई किया है ड्राई हेयर पे, 2 से 3 मिनट मसाज किया था और 5 मिनट के लिए फिर इसको ऐसे ही रहने दिया था। चेक कर ले इसके बाद में ना कि आपकी स्किन पे कोई भी स्टेन ना रहे, ताकि फिर ना वो निकलने में टाइम लगता है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे हाथों पे स्टेन रह गया है इवन ग्लव्स पहनने के बाद भी। तो यहाँ पे मैंने हेयर को वॉश करके ड्राई कर लिया है और अब मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगी। ये देखिए, मतलब बीच बीच में जो हेयर है ना वो रह गए हैं, शायद मैंने अच्छे तरीके से नहीं अप्लाई किया, बट यार स्टिल मतलब मुझे जहाँ पे चाहिए था वो रिजल्ट तो नहीं ही मिला। हाँ ये कर लो पहले। तो मेरा एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी कि जब भी आप इसे अप्लाई करें, पहले तो आप पैच टेस्ट ज़रूर करें अगर इस तरह का प्रोडक्ट आप पहली बार लगा रहे हैं। दूसरा कि आप ग्लव्स ज़रूर पहनें, वरना जो स्टेन है वो आपके हाथों पे लग जाएगा। मतलब मेरा तो ग्लव्स पहनने के बाद भी लग गया, क्या ही करें। थर्ड जो टिप है वो ये है कि आपके जैसे फोरहेड एरिया और ईयर एरिया पे ना आप वैसलिन ज़रूर लगाना, ताकि जो प्रोडक्ट का स्टेन है वो आपके स्किन पे ना लगे, ओके। तो अब मैं बात करती हूँ मेरे एक्सपीरियंस की। अब देखो यार, शाइन और बाउंसी तो बनाता है ये प्रोडक्ट आपके हेयर को, ठीक है, वो बात मैं मानती हूँ, बट 100% ग्रे कवरेज इसमें लिखा हुआ है, मुझे वो इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिला है। हो सकता है मैंने शायद इसे ठीक तरीके से भी नहीं अप्लाई किया, बट टू बी वेरी फ्रेंक मतलब ठीक है, ये उन लोगों के लिए ठीक है जिनके शॉर्ट हेयर हैं, जैसे मेल में आप इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हो या फिर जिसे रूट टचअप करना हो, ठीक है। बाकी अगर आपके बहुत सारे वाइट हेयर हैं तो मुझे नहीं लगता ये कवरेज प्रोवाइड करेगा। दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, यहाँ पे मेंशन है कि ये 8 वीक्स तक मतलब लॉन्ग लास्ट करता है, बट मेरे केस में ऐसा हुआ कि फर्स्ट वीक तक तो ठीक था, सेकंड वीक में ही ये फेड होना स्टार्ट हुआ
और मतलब थर्ड वीक में तो गायब ही हो गया। तो लॉन्ग लास्ट तो मुझे नहीं लगा। इस तरह का हेयर कलर शैम्पू आपने यूज़ किया है ना, तो मुझे ज़रूर बताना आपका एक्सपीरियंस। मेरा तो यार मतलब ओके ओके ही रहा। इससे ज़्यादा रिजल्ट तो मुझे जो एल्फ्स गुडनेस की ब्लैक ही ना मैंने यूज़ की थी उसने दिया था। परचेज़ करना चाहते हैं ना तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये था आज का रिव्यू, आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तो गाइज मिलेंगे जल्दी ही अनदर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड कीप हाइड्रेटेड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।